दोस्तों, योगी सरकार ने टेबलेट वितरण पर काफी बड़ा फैसला ले लिया है। 28 दिसंबर को कहां कहां टेबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे हमारे 10वीं 12वीं बीए बीएससी बीकॉम और एमएमएससी एमकॉम के छात्रों को। अधिकतर छात्र, हमारे सभी छात्र यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको टेबलेट या स्मार्टफोन प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि कोविड की तीसरी वेव के कारण लॉकडाउन फिर लगने वाला है और ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगी। काफ़ी बड़ी खबर है, सीएम योगी ने बांटे हैं 1,00,000 छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, यूपी के 1 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट तथा स्मार्टफोन देने के पहले चरण में आज 1,00,000 छात्र छात्राओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट प्रदान किए गए। सूबे के हर जिले से 200 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो 26 दिसंबर से डीजी शक्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो काफ़ी बड़ी खबर है हमारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जो आपकी जयंती थी, इस पर यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है 2017 में किए गए सबसे बड़े वादे को आज पूरा कर दिया है। यूपी के 1 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के पहले चरण में आज 1,00,000 छात्र छात्राओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट प्रदान किए गए। सूबे के हर जिले से 200 अभ्यर्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। और यहाँ पे आप सभी को बता दें, कल से यहाँ पे कल कानपुर में भी स्मार्टफोन वितरण समारोह लगा हुआ है और कल जितने भी हमारे छात्र हैं जो कानपुर से बिलोंग करते हैं उनको स्मार्टफोन मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी खबर, हमारे जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा था लगभग सभी छात्रों को यहाँ पे मदद मिल रही है। तो काफ़ी बड़ी खबर है, शेयर कर दें, अधिक से अधिक छात्रों को यहाँ पे स्मार्टफोन फ्री टैबलेट मिलने वाला है।